माशाल्लाह जी माशाल्लाह। खाना जो है वो लग चुका है जी। डालियो प्लेटों में। आपको ना मैं जुर्माने में पता है क्या कर सकता हूँ, जुर्माना नहीं, एक भाई की मोहब्बत, इस तरह का आपको एक सूट मैं गिफ्ट कर सकता हूँ, और कम करेंगे। ये भी ठीक, अच्छी बात है। अल्लाह ताला नजरे बात से बचाए नाना दी जोड़ी नू, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे। बाइक जो है हमारी इधर आ चुकी है घर से, और इधर मैंने एक बाइक देखी है इधर खड़ी हुई थी, तो अभी जो है जा रहा हूँ वापस घर की तरफ, और रास्ता जो है ना वो मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि उधर तो मैं आया था रोड था। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुँच चुके हैं जी अपने घर, और इधर जो है ना नादिया बैठी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं से व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब लाइक शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ, आज के आपको दिखाते हैं मजेदार सा व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत बड़ी दावत वलीमा पर, यानी कि शादी पर, वो विलेज की माहौल की शादी और दावत वलीमा आपने देखना है, तो वीडियो को जल्दी जल्दी से शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की शादियां और भी आपके पास बहुत ही आने वाली हैं। अभी चलते हैं और आपको जो भी व्लॉग है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी बाहर आ चुका हूँ, और बाहर चल के मैंने कहा व्यू वगैरह जो है वो देख लेते हैं। नाश्ता पानी जो है वो मैंने कर लिया है, नाश्ता करने के बाद फिर, क्योंकि दावत वलीमा है, बारात जो है वो परना मेरे ख्याल में हो चुका था, आज जो है ना उधर है दावत वलीमा, तो हमें भी इनवाइट किया गया था, और अभी चलते हैं चल के उधर देखते हैं कि कोई और जा रहे हैं कि सिर्फ मैं अकेला जा रहा हूँ। अरे हैदर क्या कर रहे हो, सोने हो, खेल रहे हो, और कौन है आपके साथ? वह उधर भाग जाता है, वो तो डरता है। आप डरते नहीं हो, वो डरता है। ऐसे भाई डरते हो। चलें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत कैसी है? जबरदस्त है माशाल्लाह, अल्लाह ताला जबरदस्त ही रखे माशाल्लाह। कहाँ से गुम थे, कहाँ से दिखे नहीं हमें? मैं कल रोही पर गया था, हमें तो लग रहा था जैसे साल गुजर के अकरम भाई घूम आए। हकीकत है, और रात जो है ना, रात आपको फिर हमने इतना मिस किया, आखिर उठ के हम ही दड़ंगे मारना शुरू हो गए। रात में नहीं आया था, तो मैंने कहा ताब भाई आते नहीं है, फिर हमारा फायदा नहीं है जाने का। ये पॉइंट की बात की है, क्योंकि उस दिन इन्होंने मुझे कहा है ना कि आपने आना है। हाँ। मैं उधर गया, पूरी रात बैठे रहे आपके सामने, कोई भी नहीं आया, और ये गए रात में नहीं। हाँ रात भी नहीं थे, फिर रात में हम शहर गए थे, इस वजह से हम भी नहीं गए। इसलिए आप रात शहर गए थे, इसलिए अकरम भाई घर ठहर गए थे। नहीं घर नहीं थे, घर था मैं, घर थे। हाँ। और कहाँ गया था रात का? रोही तो कल दिन को गया था ना, लेट आए हो। नहीं उधर से तो मैं आ गया था तकरीबन 12-1 बजे। वो तो लेट तो आया था, क्योंकि लेट आया था, ये लेटा था, वो 1-5 पे उल्टा होके लेटा था और चला रहा था। हाँ, 1-5 नहीं था, सीडी था। चले सीडी 1-5 वाले वीडियो बना रहे थे। हाँ बड़े मजे के वो जो है ना वो सीन था, वो बिल्कुल पूरी बाइक पे सो के और टांगे ऊपर सीट पे रखी हुई, बिल्कुल सीधा सो के जा रहा था रेत के ऊपर। मैं हैवी ड्राइवर था, हम ऐसे नहीं चला सकते रेत के ऊपर बैठ के, हम ऐसे चलाते हैं सो के। और सुनाए नाश्ता हो रहा है जी? नाश्ता बस तैयार हो रहा है माशाल्लाह। रात भाई आपने से मजा नहीं आया? हां वाकई। अब पता क्या, आप जब वो गाना वगैरह करते हैं ना, उसका एक अपना ही वो मेटल बन जाता है, मजा होता है। ठीक है, हाँ इसलिए मैं नहीं आया था, मेरा कम मजा ना बने। सही है।
और इधर बैठे हैं अम्मी जान और अब्बू जान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? तबीयत सेहत कैसी है? जबरदस्त है। हसन है, कहाँ की तैयारी है? शादी पे जा रहे हो? अच्छा, शादी पे जा रहे हो तो फिर नहीं जाना? मैं जा रहा हूँ अभी अभी। हाँ, 10 से 12 बजे का टाइम है। कितने टाइम हो गया है? अभी मैंने रब्ता किया है उधारी, तो उन्होंने कहा खाने वगैरह बन रहे हैं। 12 बजे तक ना चल जाएगा तकरीबन। हाँ, उधर साको भी ने बताया 9 बजे का चालू होया तो 12 बजे तक बन रहे हैं अभी खाने वगैरह। मैंने कहा चलो थोड़ी वीडियो शीडियो इधर से बना लूं, फिर उसके बाद जाऊंगा। आप कौन, सब जा रहे हो? हाँ, अहमद सब बाबा है। सही। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हमने तो उस दिन कहा था ऐसा सूट आपने नहीं लेकर दिया, अपने लिए तो ले आते हो। मुझे वहाँ लेकर जाता रहा जहाँ पर ये मिले नहीं। अच्छा, मैं सब्र क्या करना है भाई, जोल वाला गिना देना नहीं हो क्या? गिना दे हमें देखो भाई जन, असल गाल ही है, मैं गया मैं बाजार, अंदर बार गया मैं बाजार है, मतलब मेरे को मेरी जाल ने खेल दी थी। तो हूं जा था जाल नाल है हूं जड़े हई, पर वो दुकान है ते कन सके बाजार है नहीं सके यार, बाजार है बनी है ना। उस दिन मैंने इनको कहा था यार, कपड़े लिए थे ये वाला सूट था और भी थे, अभी देखे इसका क्या कंडीशन बन गया। यार वाकई यार ये बड़ी चीज है यार, ये हाथ लाती ओ हाथ क्या लगा पता कौन दसे ले पर हाथ लाती और तो क्या दी और मैं ये आता के भाई जान एक चीज कर सकता हूँ। मैं आपको सूट लेके दिए है ना, वैसे वो ठीक है लेकिन इस तरह से नहीं है, शाइनिंग उनकी भी अच्छी है। कलर भी यार, कलर की मैं बात कर रहा हूँ, कलर देखें कैसे कैमरे में आ रहा है, उठ रहा है, VIP बन रहा है। आपको ना मैं जुर्माने में पता है क्या कर सकता हूँ, जुर्माना नहीं एक भाई की मोहब्बत, इस तरह का आपको एक सूट में गिफ्ट कर सकता हूँ। और हुक्म करें जी। ये भी ठीक है, अच्छी बात है, खुश किस्मत। वाह जी वाह, अकरम खान को मिल गया बहुत बड़ा सर प्राइज, और आपको अल्लाह पाक नसीब करे ये वाला जो पहना हुआ है, और जो मुझे गिफ्ट होगा वो कब होगा मुझे आप ये चीज बता दें कि कलर यही हो? हाँ कलर यही हो, बिल्कुल सही है ना अल्ताफ भाई, देखें ये फर्स्ट टाइम हमारी फैमिली में मैं पहन के खड़ा हूँ। अच्छा कलर आ रहा है, मुझे तो भी अच्छा लग रहा है, अच्छा कलर और बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ ओके हो गया जी, इस तरह का सूट आप मुझे ये बताओ कि शादी के बाद चाहिए या पहले? शादी से पहले कितने दिन है अभी? हाँ, वो मुश्किल सिलाई नहीं होगा। चले 8 तारीख को वलीमा है, तकरीबन 9-10 तारीख को इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह का सूट मिल जाएगा। ओके हो गया? ओके हो गया, थैंक यू, वेलकम। अल्लाह ताला नजर बात से बचाए नाना दी जोड़ी नू, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल बड़ा हो गया आज। मुबारक दो दोनों को भाई और बहनों को, मेरी जान ने मेरी दोस्त ने आज तारीफ कर दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी दोस्त है, मेरी दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरी दोस्त है, सब कुछ है, सब कुछ है। बाकी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं तुम्हें, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। और तैयारी है जी, जा रहे हैं वलीमे पे। हाँ जी, तो नाश्ता कर ले हल्का फुल्का, हल्का फुल्का सा कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह। अभी टाइम क्या हुआ है, अभी 10 हुए हैं, हम 11 या तकरीबन 12 बजे जाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि उधर से चलेंगे देवो को स्कूल से लेके, फिर जो है ना कपड़े भी साथ ले जाऊंगे, कपड़े वर्दी में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। स्कूल से बच्चे को उठाया है, बस लेट हो रहे हैं। हाँ, खाना खाना फिर वापस, हाँ, खाना खा के वापस आ जाएंगे। नहीं वो उसकी यूनिफॉर्म बहुत मोटी है, फिर गर्मी लगेगी, मैं ले जाऊंगी, फिर घर से निकलवा दूंगी। फिर उधर से कैसे ऐसे जाओगे? ऐसे जाओ,
फिर ऐसे कर मैंने वैसे रब्ता किया है उधर, क्योंकि मैं भी जा रहा था ना, तो उन्होंने कहा तकरीबन 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा काम, 11:30 बजे। अच्छा चलो मैं रब्ता कर लूंगा ना, फिर मैंने आबाद भाई से किया है, फिर बेबो को नहीं लेके जाना खुद, बिल्कुल। अगर 11 बजे हम यहाँ से टूर रहे तो 2 घंटे बेबो के पास है, 2 घंटे में तो हम वापस आ जाएंगे खाना खा के, नहीं लेके जाते। हाँ फिर इधर जैन है ना, जैन को कहेंगे उसको ले आएगा। क्या पता जैन भी साथ उधर जा रहा है। चलें जी माशाल्लाह, तैयारी वगैरह जो है उन्होंने बना ली है, और मैं जो है ना अपना चलता हूँ, क्योंकि मैंने जाना है बाइक पे, मेरे साथ एक और सवारी है, उसको मैंने लेके उधर जाना है, अपनी बाइक को साफ सुथरा करते हैं, भगा रखते हैं। वो गिला कर रहे हैं भाई, वो कहते हैं अपना देखो, उस टाइम मैंने बोला था यही। अच्छा उस दिन भाभी आप साथ थी ना, मैंने कहा था इस तरह के लेने हैं, एक जगह पे नहीं लेकर गया जहाँ पर ये मिलते हो, जब आपने लेने जाता है इसको बाजार भी लग जाती है, दुकान भी लग जाती है। हाँ अभी अभी तो कह रहा था एक सूट आपको गिफ्ट, इंशाल्लाह 10 तारीख को मैं भाई को इस तरह का बिल्कुल सेम सूट गिफ्ट करूंगा, और आपने इस तरह फिटिंग में सिलवाना। हाँ फिटिंग में होगा, ठीक हो गया। हाँ फिर पहनना है, फिर आपने बताना है कि ये अहमद भाई मुझे ये सूट लेके दिए थे, वो अच्छे नहीं थे, तो अभी ये अहमद भाई ने जुर्माना भरा। हाँ सही है, ओके। उधर से आ गया था वापस, जैसे आपने देखा अहमद भाई के घर गया हुआ था, दुआ सलाम की है, उन्होंने भी तैयारी बना लिया शादी की, और वो भी उधर जा रहे थे, और आपने देखे मेरा नसीब देखे कि उस दिन मैं साथ लेके गया था कपड़े लेने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ना ये वाले ले लो ये वाले, आज ही देखे कैसे कह रहा था, उन्होंने कहा कि आपको सूट गिफ्ट करता हूँ, ये होती है बात भाइयों की। और ये मड हाउस में ना ये जो पौधे लगे हुए हैं ना, ये लगता है सूख रहे हैं, पानी भी डेली लगाती है, फिर भी देखें क्या इनकी कंडीशन बनी हुई है, ऐसे लगता है जैसे खुद मरने वाले हैं। चले जी बाइक मेरी जो है ना इधर खड़ी है, थोड़ा इसको कपड़ा वगैरह लगाते हैं, साफ करते हैं, फिर चलते हैं वलीमे पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ की तैयारी बना के जा रहे हो? तैयारी अभी बना रहा हूँ, जा रहा हूँ नहाने। अच्छा फिर इधर सुना है वलीमा है। वलीमा तो है, फिर उधर वलीमे पे जाना है ना। अच्छा सही है, मैं तो जा रहा हूँ। किधर? वलीमे पे। हाँ जा रहे हो? हाँ जा रहे हो? जा रहे हो? अभी जा रहा हूँ, क्योंकि वो इस तरह है ना कि आपकी तो वीडियो वगैरह बनती रहेगी, मेरे साथ जो बंदा जा रहा है वो कैमरा आगे मैं ऑन कर सकता हूँ, बैक नहीं कर सकता, किसी को लेके जा रहा हूँ बगैर कैमरे वाले को, तो फिर उधर ही जाके मैंने कहा कि उसको उधर छोड़ दूंगा, और वलीमे वगैरह के जैसे वीडियो वगैरह बनेगी फिर वो भी शेयर करूंगा। सही है ना? हाँ आप भी लगता है 3 बंदे हो जाओगे। 3 क्यों होंगे? वो भी आ रहा है ना साथ आपके, फरूक? नहीं वो दूसरा, वो जहाज़ेब, वो भी आ रहा है, फरूक भी आ रहा है, और मैं भी आ रहा हूँ, 3 हो जाएंगे, फिर एक को आप ले जाओ ना। अब फिर वही बात होगी जैसे आपने पहले कहा, मैंने कहा कि 3 बंदे उसके साथ बाइक पर मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि जब वो थोड़ी मंट आ जाए ना आगे पीछे, फिर अक्रम को जो है ना वो हो जाता है। अच्छा कोई नहीं ले आऊंगा, सकून से, स्कूकों का मसला है थोड़ा बाकी। यार परेडर ऐसा अच्छी गाड़ी है, परेडर है उसकी स्पूकें देखिए अब कम है। चलें जी अभी जो है ना इधर मैंने कहा दुआ सलाम कर लें, और जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास तो है छोटी बाइक है, निकली सी छोटी सी, तो सकून से जाऊँगा, और उधर पहुंचते भी आपको पता है फिर टाइम उन्होंने दिया था 10 बजे का, अभी टाइम क्या हो गया आगो तकरीबन, क्या टाइम है? 11 बज गई होगी। हाँ 11 बज रही है, तो घंटा तो वैसे लग जाएगा सकून से जाते। उन्होंने क्या कहा था 10 बजे? 10 बजे से 12 बजे तक उनका टाइम है, जो 12 से लेट आएगा फिर वो उनका समय लेके कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कहा ना मिले ना मिले, तो इस वजह से उनका जो टाइम है उस टाइम के मुताबिक हम जा रहे हैं। बाकी मैंने रब्ता भी किया है उधर से ना, क्या बोला? उन्होंने कहा कि उधर गए हुए थे ना शादी पर कुछ लोग, उनको मैंने सुबह कॉल किया है, मैंने पूछा भी क्या प्रोग्राम, उन्होंने कहा रोटियां बन रही हैं, देगें बन रही हैं, माल बन रहा है, फिर 1:30 बजे शुरू होगा मैं पता है, चलो जस्ट टाइम भी होगा। बाइक जो है हमारी इधर आ चुकी है घर से, और इधर मैंने एक बाइक देखी है इधर खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा शायद ये भी उस रुख पे था ना इसका चेहरा, मैंने कहा यही लगता है उधर जाने वाली है, तो पता नहीं है अभी उधर जाने वाली है या। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह।
तबीयत सेहत कैसी है? जबरदस्त है। शादी की तैयारी है? अच्छा, आपकी इंतजार थी। हम तो आ गए। माशाल्लाह, आ गए तो हमारी भाई कब की देखे, आपने तैयारी करके आई हुई है। वो ही मैंने देखा, इसका रुख उस साइड पे था, मैंने कहा जाएगी तो इधर ही जाएगी। इसलिए जो है ना वो देखे, उजल भाई भी ऐसा ऐसा आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए थे। वो बच्चों के साथ गया था चीज दिलाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह। सही सही, चलें जी। अभी फाइनली तैयारी जो है वो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे आप जानते हैं, फिर ये ना कहें कि आपकी बेगम क्यों नहीं गई है, क्योंकि आपको पता है वो बाइक वगैरह पे या इतने सफ़र पे वो फिर नहीं जाती, तो गाड़ी वगैरह होती है ना, फिर भी इंसान चला जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा फ़ायदा नहीं है इतना सफ़र पर ले कर जाने का। यही तो मसला है गाड़ी वाला हर किसी को। हाँ, सवारी, क्योंकि वो गाड़ी में तो जा सकता है इंसान, लेकिन बाइक के ऊपर इस कंडीशन में फिर इंसान नहीं जा सकता। फिर क्योंकि वो मैसेज करने वाले आ जाएं, कहें ये नहीं लेके गया, क्या मसला है। इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी कंडीशन इस तरह की नहीं है कि वो बाइक पर सफ़र कर सके। जी, बिल्कुल सही है। खानपुर तक एक दिन गए थे, खानपुर तो ये खड़ा है ना। हाँ, दवाई लेने के लिए। हाँ, दवाई लेने के लिए नहीं, वो लेने गए थे बच्चों का सामान, कोई कपड़े वगैरह थे इस तरह। हाँ, एक दिन ले गया वो भी, फिर दो तीन दिन कहती रही है कि नहीं जाना था। सफर की बात है ना। हाँ जी, चले हम तो रेडी है। रेडी है, बस चीज ही लेने गए थे तो चीज दिला दी है। सही, चलो घर। हाँ, आप किधर पहुँच गई हो? मैं, मुझे तो तीसरा दिन है इधर। इधर ही डेरे लगाए हुए हैं? मैंने सुना है इधर शादी है, तो मैं पहले आपने कहा है खाना बच जाएगा तो दो तीन दिन का। आजकल हमें ये काम पकड़ा हुआ, बचत कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, आप भी ख्याल रखना, इधर से आज रवाना हो जाएंगे, फिर उस बस्ती में दाखिल हो जाएंगे। क्योंकि शादी वाले ना ही बढ़न देन, वो कहना भी दो दिन शादी को देर है, तो हो सकता है आपके घर बढ़ जाए। अच्छा जी, तैयार हो जाना। और आप सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह कैसी है? वो रोटी के लिए बुलाया है मर्दू को, जो आप खा जाए फिर जो है ना औरतों की शिफ्ट लगेगी। अच्छा, यानी कि खाने के लिए बुला रहे हैं। हाँ, बुला। इसका मकसद है कि मैं वेट लेट ना करूं। हाँ, जल्दी जाएं, आप भी खा जाएं। अच्छा, फिर औरतों की बारी आ जाएगी, फिर कहेंगे थोड़ी देर, फिर मर्द जो है ना बैठ जाएं। हाँ, इसलिए लेट हो जाए। हाँ, मैं कहता हूँ कि हम खा ले है ना। हाँ, टाइम पे आ गए हो तो फिर चले जाओ, पहले खाना खा लो। हाँ, बाद में जो होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अब्बास भाई, क्या हाल है? आपने इधर डेरे लगाए हुए हैं? हफ्ता तो हो गया मुझे, मैंने सुना इधर डेरे हैं। यार भाई, मैं सबूत वाली बात करता हूँ, ऐसा नहीं करता। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले घर से हो आया, उन्होंने कहा हमें हफ्ता हो गया है। हमने ना वो खाने वाली जगह ढूंढते हैं, वो कहते हैं खाना बचाते हैं, दो तीन दिन जहाँ से मिल जाए वो सही होता है। नहीं नहीं, हम कल लाए हैं। अच्छा, कल लाए हैं। और माशाल्लाह जी, वलीमे पे पहुँच चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इधर जो है ना वो क्या कहते हैं, खलील भाई भी खड़े हैं। कैसी है तबीयत? दुआ सलाम हमने कर लिया, ये ना कहना कि बाद में दुआ सलाम तो इसके साथ नहीं किया है। मेरे व्लॉग में हो चुकी है। आपके व्लॉग में हो चुकी है? चलो, आपने फिर ये भी गवाही दे दी है, नहीं तो मानते नहीं है यार। वो फिर वो ये भी बोलते हैं कि आप हर ब्लॉग में एक बार सलाम दुआई करते रहेंगे, क्या और भी बात भी करेंगे। हाँ, ये बात भी है, फिर इसलिए तो मैंने नहीं किया आपके साथ। अच्छा, कर लिया यार। अच्छा अच्छा, कर लिया यार। वो कहता है कर लिया यार। डर गया। होगी एक में होगी तो बला कर क्या तुझे? ना बला ढेर को चीज ना बला वाला काम करी भाई, कोई यार ठीक है। वो ढेर। और जी शौकत भाई, क्या हाल है? कैसे है तबीयत? या फिट है? बिल्कुल माशाल्लाह। ये भी यूट्यूबर बन गए हैं? अच्छा, अल्लाह पाक कामयाबी दे इनको। ट्रेनिंग की जरूरत है? ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग का नो इशू है। और ये पहुंच गए सकून से, क्योंकि रोड सारा टूटा हुआ है ना। नहर आप चले जाएं वापसी, सीधा वापसी नहर चले जाएंगे, उधर से फिर जाएंगे फिर फैजाबाद से। हाँ, बाइक पे आए हैं। हाँ, ये अपनी बाइक पे था, मैं अपनी बाइक पे था।
इसके साथ फैमिली थी, मेरे साथ भी कुछ लोग थे, फैमिली थी, बगैर कैमरे वाले थे। तो रोड टूटा हुआ है सारा, नहीं नहीं ये आगे देखो ना, एक चक से जो निकले वो सारा टूटा हुआ है पुल तक, फिर आगे आ जाए तो कौन सा साफ है, स्कूल तक टूटा हुआ है, यानी कि नहर वाला चाहे जाए फैजाबाद तक जाए उसके आगे तो फिर वही रोड जाना है ना, फिर तो आगे वही आ जाना। लेकिन अभी कोशिश करेंगे कि हम इधर आके चढ़े हैं ना नहर पे, अभी कोशिश करेंगे सीधा सीधा नहर जाएंगे वापसी, कच्चा है लेकिन कच्चा भी हमें पता है सही होता है रोड टूटे हुए से, कच्ची सड़क हो ना वो टूटी हुई रोड से बेहतर है, क्योंकि जो टूटी हुई रोड होती है ना वो जंप बहुत ही खतरनाक होते हैं। नहीं हमारी बाइक तो खैर पंचर नहीं हुई, बाकी ये है कि वो गुर्दों का मसला है ना, फिर ज्यादा धक्के लगे ना काम खराब होता है। और ये भी सकून से आ रहा था, मैंने कहा आप क्यों सकून से जा रहे हैं, कहते है आपका गुर्दों का मसला है, समझ लें कि हमारा भी वही है क्योंकि बेगम इनके साथ थी ना फैमिली, तो बेबी भी था साथ, इस वजह से जो है ना ऐसा ऐसा सकून से आते रहे। पहले पहुंच गए टाइम से, हाँ टाइम, खाना तैयार हो रहा है, हाँ खाना है, बस शुरू होने वाला है, घंटा लग जाएगा पूरा घंटा नहीं लगेगा, बस 10-15 मिनट। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, खाना जो है वो लग चुका है जी, हाँ डालियो प्लेटों में, बिस्मिल्लाह करें। खाना लगता है, लगा दिया है, हर टेबल पे खाना लग गया है ना, हाँ बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं, जिसने खाना हमारे साथ आके खा सकता है, वैसे तो हमारे साथ माशाल्लाह काफी बैठे हैं, और वैसे कुर्सी भी नहीं है, वैसे बुला तो रहे हैं, कुर्सी नहीं है साथ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली खाना वगैरह खा लिया, वलीमा जो है वो अटेंड करके अभी जो है ना जा रहा हूँ वापस घर की तरफ, और रास्ता जो है ना वो मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि उधर से मैं आया था रोड था टूटा हुआ रोड था, तो इस वजह से ना वो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि जंप काफ़ी ज़्यादा लगते थे, तो जैसे आप जानते हैं फिर गुर्दों का भी मसला है इस वजह से ना पत्थरी का, तो ये कच्ची सड़क है, कच्ची के ऊपर ना इतना जंप वगैरह नहीं है, मैंने कहा सकून से ना इधर से चला जाऊँगा, और इधर देखें ये साथ नहर है, ये नहर लेके जाऊंगा और आगे जो है ना फिर रोड आ जाएगी, फिर रोड लेके इंशाल्लाह घर, मैंने कहा टाइम जो है ना वो घर चलते हैं ताकि अपना सुकून से टाइम से पहुंच जाए, तो कुछ गाड़ियों पे हैं, कुछ बाइक पे भी हैं, कुछ फैमिलियाँ समेत हैं, मैं था अकेला, तो इसलिए मैंने कहा कि अपना टाइम से खाना वगैरह तो खा लिया है, उनको जो देना लेना था वो भी कर लिया है, जैसे सलामी वगैरह होती है, फिर उसके बाद मैंने कहा अभी जो है ना घर की तरफ चलते हैं, तो अभी जा रही है, दुआ करें अल्लाह पाक करो करिया से ले जाए। और इधर मौसम कुछ इस तरह का था, ये व्यू वगैरह नहर का ना पानी का, तो मैंने कहा चलो ये भी जो है वो भी देख लेते हैं और बहन भाइयों को भी दिखा देते हैं, फिर चले जाएँगे इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ। और इधर देखें मंजी जो है ना वो भी नहा रही हैं पानी के अंदर ना, मंजी नहा रही है और पानी वगैरह भी पी रही है, और इस साइड में सारा कमाद ही कमाद है, यानी कि सेम हो जाती है ये नहर की वजह से ना, ये सेम हुई पड़ी है ये देखें पानी की साथ में, ये क्योंकि 12 मंथ साल पूरा जो है ना ये नहर चलती रहती है, ये नहर बंद नहीं होती, उसकी वजह ये है कि ये पानी जो है ना ये पता नहीं कहाँ तक जाता है, जहाँ पर पानी पीने के भी नहीं है ना ये वहाँ नहर जाती है, तो इस वजह से ये चलती रहती है, ये कभी एक दो दिन के लिए बंद हो तो हो, वरना ये बंद नहीं होती, ये चलती रहती है। और व्यू माशाल्लाह अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने कैमरा खोला और मैंने कहा कि बहन भाइयों के साथ व्यू भी जो है वो भी शेयर करते जाएँ, तो
क्योंकि न्यू इलाके होते हैं, न्यू रास्ते होते हैं, फिर वो थोड़ा कंटेंट में चेंजमेंट आ जाती है, देखने वाले भी इंजॉयमेंट कर लेते हैं। कोई इधर से भी हो सकता है मुझे देख रहे हो, ये साथ का इलाका, अभी मैं जाऊंगा फैज़ाबाद। तो साफ ज़ाहिर है बैरून मुल्क में भी हमारे काफ़ी भाई हैं जो कि परदेसी हैं, उधर काम वगैरह करती हैं, वो भी हमें देखते हैं तो उनका इलाका भी नज़र आ जाएगा। वो फिर कहते हैं यार आप हमारा इलाका दिखाते हो, हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि वो काफ़ी अरसा जो है ना वो उधर ही रहती हैं परदेस में, फिर वो कहते हैं कि हमारा इलाका जो है ना वो, चलो इतना अरसे के बाद हम आपकी वीडियो के ज़रिए जो है ना वो देख लेते हैं। तो जो इधर से मुझे देख रहे हैं वो अपना इलाका देख लें जी, ये नहर भी उनकी याद आती होगी नहर की। तो माशाल्लाह सारा व्यू जो है ना मैं दिखा रहा हूँ, बाकी चलते हैं इंशाल्लाह जैसे जैसे जाएंगे आपके साथ वीडियो शेयर करते जाएंगे। इंशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुँच चुके हैं जी अपने घर। और इधर जो है ना नादिया बैठी थी, सुकून कर रही थी, क्या हाल चाल है? काम करके फ्री हुई हूँ तो आके बैठ गई। आके बैठ गई? हाँ। हाजरा आप आ गए स्कूल से वापस? छुट्टी हो गई? अच्छा, और सुनाए काम काज हो गए सारे? सारे हो गए। ओके हैं? ओके हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको बताया अभी पहुंच चुका हूं घर, और वीडियो का भी यहीं पर एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं हमारी आज की वीडियो अच्छी थी। शादी 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 जबरदस्त थी, जबरदस्त थी। अच्छा, बहुत मजा आया। मजा क्या आया है? मजा आया है। मजा क्या आया है? मजा आया। हाँ चले जी, अच्छा हुआ। चले वलीमा अच्छा था, चिकन वगैरह भी था, चावल मीठे भी थे जर्दे वाले, लेकिन मैं चावल तो मैंने नहीं खाए, मैंने चिकन का जो है ना वो माल खाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाज़त, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस टाइम अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। वो आ गई वाली माँ खा के। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला क्यों दिया? कुछ नहीं यार। क्या कहा है उन्होंने? उनसे बात ही नहीं की। अच्छा सही सही।